सो आज के इस वीडियो पे मैं आप लोग को 2023 में आने वाली जितनी भी 150-160 सीसी बाइक है उन सभी का ऑन रोड प्राइसिंग के साथ साथ मैं आप लोग को रियल माइलेज के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो इंडिया में अभी जितनी भी 150-160 सीसी बाइक चल रही है उन सभी का माइलेज आप लोग को इस सिंगल वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बजाज कंपनी की सबसे न्यूली बाइक की जो कि है बजाज पल्सर P150। इस बाइक के 2023 के ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बताऊं तो लगभग जो है आप लोग को 1,40,758 रुपए के आसपास में देखने को मिलेगी। बाकी इसके माइलेज के बारे में बताऊं तो लगभग जो आप लोग को इस गाड़ी से इजिली 50 km/h तक का माइलेज देखने को मिल जाएगा। और बात करी जाए यहाँ पर यामाहा कंपनी की सबसे पॉपुलर 150 cc बाइक की जिसका नाम है यामाहा FGS वर्जन 3। इस बाइक के टॉप मॉडल के प्राइसिंग के बारे में बताऊं तो लगभग जो आप लोग को 1,50,666 रुपए की देखने को मिलेगी जो कि मैं आप लोग को डिलक्स मॉडल के बारे में बता रहा हूं। अब इस FGS वर्जन 3 के माइलेज के बारे में बताऊं तो लगभग जो आप लोग को इस गाड़ी से 50-55 km/h तक का माइलेज देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर यामाहा कंपनी की FGX की बात करी जाए तो इसका जो प्राइस है वो आप लोग को लगभग जो है 1,59,790 रुपए की देखने को मिलने वाली है 2023 में ऑन रोड। बाकी इसका भी माइलेज दोस्तों आप लोग को FGS वर्जन 3 के आसपास में ही देखने को मिलेगा जो कि इसका भी माइलेज आप लोग को 50 प्लस का तो देखने को मिल ही जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं होंडा कंपनी की ओर। तो सबसे पहले बात करेंगे होंडा यूनिकॉर्न 160 की। तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो लगभग आप लोग को 1,31,967 रुपए के आसपास में देखने को मिलेगा। बाकी इसका माइलेज के बारे में बताऊं तो लगभग जो आप लोग को इस गाड़ी से 50 plus km/h तक का देखने को मिल जाएगा। अब यहीं पर बात करें जाए होंडा एक्सब्लेड 160 की तो इसकी जो प्राइस है वो लगभग आप लोग को 1,50,464 रुपए देखने को मिलने वाला जो कि मैं आप लोग को डुअल डिस्क ब्रेक वाली वेरिएंट का बता रहा हूं। और इसका जो माइलेज है दोस्तों वो लगभग आप लोग को 48 km/h तक का देखने को मिल जाएगा। बात करें जाए यहां पर हीरो कंपनी की एक्सट्रीम 160R की तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है दोस्तों 1,53,051 रुपए। और ये जो मैं आप लोग को प्राइसिंग बता रहा हूं ये मैं आप लोग को एक्सट्रीम 160R का टॉप मॉडल यानी कि स्टेल्थ एडिशन 2.0 का प्राइस बता रहा हूं। बाकी यहां पर माइलेज के बारे में बताऊं तो इस गाड़ी से जो है आप लोग को 50-55 km/h तक का देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अपाचे सीरीज की और। तो सबसे पहले बात करेंगे टीवीएस अपाचे RTR 160 की तो इसका जो दोस्तों आप लोग को ऑन रोड प्राइसिंग देखने को मिलने वाला है टॉप मॉडल का जो कि मैं आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मॉडल के बारे में बताने वाला हूं। तो उसका जो प्राइस है दोस्तों वो लगभग आप लोग को 1,49,502 रुपए का देखने को मिलेगा ऑन रोड प्राइस। और साथ ही साथ इसके माइलेज के बारे में बताऊं तो लगभग जो है आप लोग को 45-50 km/h तक का इस गाड़ी से देखने को मिल जाएगा। और यहीं पर बात करें जाए अपाचे 164V के ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में तो लगभग जो है आप लोग को 1,60,500 रुपए के आसपास में देखने को मिलने वाली है जो कि मैं आप लोग को स्पेशल एडिशन के बारे में बता रहा हूँ वो भी 2023 मॉडल का। तो यहाँ पर इस अपाचे 164V के माइलेज के बारे में बात करी जाए तो लगभग जो आप लोग को 40 km/h तक का देखने को मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग बजाज कंपनी की ओर। तो सबसे पहले बात करेंगे बजाज पल्सर NS160 की तो इसकी जो प्राइस है वो लगभग आप लोग को 1,49,095 रुपए के आसपास में देखने को मिलने वाली है NS160 डुअल डिस्क ब्रेक वाली वेरिएंट की जो कि मैं आप लोग को 2023 मॉडल के प्राइसिंग के बारे में बता रहा हूं। अब बात करें जाए इसके माइलेज के बारे में तो लगभग जो आप लोग को 40-45 km/h तक का इस गाड़ी से माइलेज देखने को मिल जाएगा। और यहीं पर बात करें जाए बजाज पल्सर N160 की तो इसका जो प्राइस है वो लगभग आप लोग को 1,57,215 रुपए देखने को मिलने वाली है डुअल चैनल ABS वाली वेरिएंट की। अब इसके माइलेज के बारे में बताऊं तो इस पर जो है आप लोग को दोस्तों लगभग जो है 40 km/h तक का माइलेज देखने को मिलने वाला है। और यहीं पर दोस्तों हम लोग बात करें यामाहा कंपनी की यामाहा MT-15 वर्जन 2 की तो इसका जो आप लोग को प्राइसिंग देखने को मिलने वाला है वो लगभग आप लोग को 1,99,685 रुपए के आसपास में देखने को मिलने वाली है यानी कि लगभग 2,00,000 रुपए के आसपास में यामाहा कंपनी की MT-15 आप लोग को ऑन रोड प्राइसिंग देखने को मिलने वाली है इसकी 2023 मॉडल की। अब यहीं पर इसके माइलेज के बारे में बात करी जाए तो लगभग जो आप लोग को 45 plus km/h तक का आप लोग को इस MT-15 से माइलेज देखने को मिल जाएगा क्योंकि दोस्तों यहां पर मैं आप लोग को बता दूं कि MT-15 में जो है आप लोग को VVA यानी कि वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन दिया जाता है। तो इस वजह से जो है गाड़ी में आप लोग को पावर के साथ साथ जो है बेहतरीन माइलेज भी देखने को मिल जाता है। तो इस वजह से आप लोग को यामाहा कंपनी की MT-15 में जो है 45 प्लस का तो इजिली माइलेज मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर बात करें यामाहा कंपनी की R15 वर्जन 4 की तो इसका जो आप लोग को ऑन रोड प्राइसिंग देखने को मिलेगा 2023 में वो लगभग आप लोग को 2,30,131 रुपए के आसपास में देखने को मिलेगी। और इसका जो माइलेज है दोस्तों वो लगभग आप लोग को 40 plus km/h तक का देखने को मिल जाएगा। अब इसमें भी दोस्तों आप लोग को इतना बेहतरीन माइलेज इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि दोस्तों इस गाड़ी पर भी आप लोग को VVA यानी कि वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को सेम यही माइलेज यामाहा कंपनी की R15 M से भी देखने को मिलने वाला
वाला है, क्योंकि R15M में भी दोस्तों आप लोग को सेम वही इंजन देखने को मिलता है जो कि R15 वर्जन 4 में देखने को मिलता है। तो इस वजह से जो है आप लोग को R15 में आप लोग को जितना माइलेज देखने को मिलता है उतना माइलेज आप लोग को R15M में भी देखने को मिलेगा, जो कि लगभग जो आप लोग को 40+ का तो माइलेज देखने को मिल ही जाएगा। सो गाइज यहाँ पर मैं आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के बारे में बता दूं कि गाड़ी का जो माइलेज होता है वो आप लोग के राइडिंग कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो आप लोग गाड़ी को जिस तरीके से चलाएंगे गाड़ी आप लोग को उसी तरीके से माइलेज देगी, यानी कि गाड़ी को जो है अगर आप लोग स्पीड चलाएंगे ज्यादा रफ चलाएंगे तो आप लोग को उतना जो है माइलेज देखने को नहीं मिलेगा। एंड गाड़ी को अगर आप लोग आराम से चलाएंगे यानी कि 30-40 के स्पीड से चलाएंगे तो आप लोग को बहुत ही बेहतरीन माइलेज देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर मैंने जो आप लोग को माइलेज बताया है दोस्तों वो लगभग जो है हाई स्पीड का ही माइलेज बताया है, तो अगर आप लोग गाड़ी को और आराम से चलाएंगे तो गाड़ी आप लोग को और भी ज्यादा माइलेज निकाल के देगी। सो यहाँ पर इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गाड़ी का जो माइलेज होता है दोस्तों वो आप लोग के राइडिंग कंडीशन पे ही डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में गाइज आप लोगों ने देख लिया कि इंडियन मार्केट पे जितने भी 150-160 सीसी बाइक है उन सभी बाइक से आप लोग को क्या कुछ माइलेज देखने को मिलने वाली है। बाकी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा कि आप लोग इनमें से कौन सी बाइक को लेने वाले हैं। तो इस वीडियो को गाइज हम लोग फिलहाल यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड अगर आप लोग का कोई भी सवाल या सुझाव हो तो उसके बारे में भी नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में गाइज फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।